हेलो एवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर आपने कुछ ऑप्शन को यूज़ किया इसके अंदर, और आपने सीखा कि आप किस तरह से हाईलाइट सेल रूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको जो वीडियो बना के दिखाई थी, टॉप बॉटम रूल, इसके अंदर आपने इन आइटम को यूज़ करने का तरीका देखा था। और इस वीडियो में आपको डेटा बार, कलर स्केल और आइकॉन सेट्स को यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ओपन करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाकी के कुछ ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इस वीडियो में आपको डेटा बार के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर एक रेंज सेलेक्ट करी है और मुझे इसके अंदर कुछ इस तरह से इसके अंदर मालूम करनी है। जैसे 100 वाली वैल्यू है ये मुझे वाजे नज़र आने लगी, और 1 वाली वैल्यू मुझे नज़र आने लगी कि ये सबसे छोटी वैल्यू, और 100 वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है। 52 या 50, 50 से बड़ी या छोटी जो है ये आपकी दरमियान वाली वैल्यू कहलाएगी। मैंने ये तमाम रेंज को इसके अंदर सेलेक्ट किया है और इसके अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने जैसे क्लिक किया तो अब डेटा बार को आप यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर देखेंगे कि जो आपकी 100 वाली वैल्यू थी वो आपकी बिल्कुल फिल हो गई, और जो आपकी 1 थी वो आपकी थोड़ी सी बिल्कुल खाली है। ये आपके ब्लू कलर में आपको नज़र आने लगेगा, और इसके बाद जो ये आपको ग्रीन कलर में नज़र आएगा, और इसके बाद ये आपको ऑरेंज कलर में, ये पिंक कलर में, ये ब्लू कलर में, ये येलो कलर में, और इसके बाद जो है ये सॉलिड फिल, यानी कि इसके अंदर तो जो आपके ग्रेडियंट फिल जो है आपके कुछ लाइट कलर हैं, यानी कि शुरू में डार्क हैं और जो यहाँ पे एंड हो रहा है वो थोड़े लाइट हैं, लेकिन जो सॉलिड फिल हैं वो आपके बिल्कुल डार्क होंगे एकदम। तो इन डार्क कुछ सेल्स के अंदर आपको ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और ये पिंक, ब्लू और येलो कलर आपको दिखा रहे हैं। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ये ब्लू कलर ऐड करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पहली वैल्यू है आपकी, ये बिल्कुल आपकी छोटी सी आपको नज़र आने लगेगी, जैसे 100 वाली वैल्यू बिल्कुल फिल हो गई और 1 वाली वैल्यू जो है बिल्कुल खाली है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपनी ग्रीन कलर में, यानी कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ उधर से, और डेटा बार और ग्रीन कलर। तो फ्रेंड्स, ये कलर चेंज है, बाकी तमाम इसका प्रोसेस वही, यानी कि काम वही करेगा इसके अंदर ये। तो आपको इसके अंदर जो कलर पसंद आए वो आप इसके अंदर से यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड कलर भी कुछ इस तरह से ही आपके यूज़ होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा डार्क कलर होते हैं। जैसे ये 1 जो है ये आपकी बिल्कुल खाली है, और 100 ये बिल्कुल फुल है आपकी। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके इसके अंदर कुछ मोर रूल्स भी बता रहे हैं, जैसे ये आपके सिलेक्टर रूल टाइप्स, ये आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं इसके अंदर। और इसके बाद आपके एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार, आइकॉन सेट्स, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और शो बार ओनली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके अंदर और करता हूँ उसको ओके। तो फ्रेंड्स, ये आपको सिर्फ आपके इसके अंदर कलर नज़र आने लगेंगे और आपकी तमाम वैल्यूज इसके अंदर से गायब हो जाएंगी। मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस पुरानी हालत में इसको कर लेता हूँ अंडू करके, और इसके बाद मैं डेटा बार को दोबारा से यूज़ करूँगा और मोर रूल्स को दोबारा से देखूंगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा बार के अंदर मैं 3 कलर को स्केल करूंगा। तो इन 3 कलर्स में मुझे ये कुछ कलर्स मिले हैं, जैसे आपको इसके अंदर 3 जो हैं वो कलर नज़र आ रहे होंगे से प्रीवियस है। और मैं इसके अंदर डार्क कलर ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो है थोड़ा लाइट कलर, और इसके अंदर बिल्कुल लाइट कलर। तो मैं इसको कर दूंगा ओके। तो फ्रेंड्स, ये आपको इसके अंदर नज़र आने लगेगा। मैं इसके अंदर सबसे पहले
इसके यहाँ से रूल्स को हटा दूंगा और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरा यहाँ से डेटा बार, और इसके अंदर मैं करूँगा मोर रूल्स। मैं इसके अंदर 3 कलर स्केल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैंने कुछ कलर्स को सिलेक्ट कर लिया, और इसके अंदर मैं देखूँगा जैसे ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, ये आपकी मिड पॉइंट यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, और ये आपकी मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट वैल्यू। तो ये आपकी इस तरह से नज़र आने लगेगी आपको। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ कॉलम्स यानी कि डेटा बार्स इसके अंदर आप ऐड करेंगे, जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, तो आप इस सूरत में भी इसको देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर से रूल हटा देता हूँ वापस, और डेटा बार, और ये आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और फ्रेंड्स ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इसके अंदर, और जब मैं करूँगा इसके अंदर मोर रूल, और मैं इसके अंदर करूँगा 3 कलर सिलेक्ट, एक ये कलर, दूसरा, और सबसे लास्ट में इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, यानी कि ये कलर जो है आपकी स्टार्टिंग में ये होगा और एंडिंग में ये आपकी ये होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी इस कलर में आएगी, मिड पॉइंट की वैल्यू जो है वो आपकी इस कलर में आएगी, और हाईएस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी वो इन कलर में आएगी आपकी। मैं कर दूंगा इसको ओके, ये आपको इसके अंदर नज़र आने लगेगा। मैं इसका कुछ अंदर की जो टेक्सचर्स हैं उसको मैं लाइट कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बोल्ड। तो फ्रेंड्स आपको इसके अंदर कलर नज़र आने लगेंगे वाजी, लेकिन अगर आपको ये इसके अंदर कोई दूसरा टाइप्स आप देखना चाहेंगे इसके अंदर, जैसे मैं इसके अंदर कर रहा हूँ अभी क्लियर रूल, और इसके कलर को मैं कलरफुल कर लेता हूँ, और इसके बाद जो है डेटा बार के बाद मैं करूँगा इसके अंदर कलर स्केल, यानी कि आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा जैसे जो आपकी सबसे टॉप पे वैल्यू है ग्रीन, इसके बाद लाइट ग्रीन, इसके बाद येलो, और इसके बाद रेड, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपकी ग्रीन में आएगी, इसके बाद जो आपकी मिड वैल्यू होगी वो आपकी लाइट ग्रीन और येलो कलर में आएगी, यानी कि ग्रीन से छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी से छोटी वैल्यू जो है आपकी लाइट ग्रीन कलर में आएगी, और सबसे छोटी से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी येलो कलर में आएगी, और सबसे छोटी वैल्यू आपकी जो सबसे लास्ट में आपकी वो आपकी रेड कलर में आएगी। और इसके बाद इस कलर में आप देखेंगे, तो फ्रेंड्स इस कलर में आप देखेंगे कि जो आपकी बड़ी वैल्यू है वो रेड कलर में आएगी, यानी कि सबसे टॉप में आपके रेड कलर है, इसके बाद आपका ऑरेंज कलर है, इसके बाद आपका येलो कलर है, और सबसे लास्ट में आपका ग्रीन कलर है, यानी कि जो सबसे टॉप पे आपकी कलर होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू की लाएगी आपकी, और सबसे लास्ट में वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू यानी कि ग्रीन, लाइट ग्रीन, वाइट और रेड। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके अंदर, और तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपकी वो ग्रीन कलर में आ गई, और इससे छोटी वैल्यू जो आपकी लाइट ग्रीन कलर में आएगी, और उससे भी छोटी आपकी ऑरेंज कलर में आएगी, और सबसे छोटी वैल्यू आपकी रेड कलर में आएगी, जैसे नंबर 1 ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है, यह आई आपकी रेड कलर में, और 100 ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये आपकी ग्रीन कलर में आ गई। तो कलर स्केल को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपके सिर्फ ग्रीन कलर में आएगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपकी डार्क कलर में आएगी, और सबसे हल्की वैल्यू, सबसे कम वैल्यू आपके सबसे लाइट कलर में आएगी, यानी कि बिल्कुल व्हाइट कलर में। जितनी वैल्यू के फ्रेंड्स आपकी वैल्यू गिरती चली जाएगी, कलर उसका उतना हल्का होता चला जाएगा, कलर उसका बिल्कुल लाइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप अपने कलर स्केल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और फ्रेंड्स इस कलर स्केल के अंदर आप मोर रूल्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप 2 कलर स्केल्स को यूज़ कर रहे हैं अभी, इसके अंदर आप 3 कलर स्केल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह से। तो जो सबसे डार्क वैल्यू, जो सबसे डार्क कलर है वो आपका सबसे लाइट वैल्यू खिलाएगी। नंबर वन जो है आपकी वो रेड कलर में, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। कलर बार को। और फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है आइकॉन सेट्स। जैसे कि आपको सबसे टॉप पे जो आपका नज़र आ रहा होगा ग्रीन, इसके बाद राइट साइड पे आपको येलो कलर में नज़र आ रहा होगा, और इसके सबसे डाउन जो एरर आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर वो आपका रेड कलर में दिखाई गई। यानी कि इसका मतलब है जो रेड कलर है आपका, ये गिरती वैल्यू है आपकी, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो है आपकी, जैसे 1 है 2 है 10 है 20 है, ये आपकी रेड कलर में दिखाएंगे। और येलो कलर वाली वैल्यू जो है वो आपकी दरमियान वाली वैल्यू, बिटवीन वाली वैल्यू आपकी और येलो कलर में आएगी। और जो आपका अप का जो एरर है, जो आपकी वैल्यू बढ़ी है या इस तरफ इशारा कर रहा है आपका, जैसे 100 95 85 या इससे बड़ी वैल्यू जो है वो आपकी ग्रीन कलर में आएगी। और ये आपका एरर जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल यही है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन आएंगे। जैसे एक ग्रीन कलर में आएगा सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपकी, जैसे 100 95 85, ये आपकी ग्रीन कलर में आएगी। इसके बाद 2 एरर आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। इसके अंदर ग्रीन कलर जो है आपका, ये आपका अप एरर कहलाएगा, और इसके बाद जो है ये 2 एरर आपके ये दरमियान वाली वैल्यू के होते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी वैल्यू के बाद जो छोटी वैल्यू होगी ये आपके इस वैल्यू के अंदर येलो कलर में आएगी, और सबसे छोटी वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपके इस एरर के साइन में आएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी रेड कलर में आएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है आपका, जो आपका चौथा पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा इसके अंदर डायरेक्शनल जो आपके ऑप्शन है वो इसके अंदर आने लगेंगे। जैसे पहले में आपके सिर्फ 3 नंबर थे, सिर्फ 3 ऑप्शंस थे, इसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपके 3 एरर आ गए, और तीसरे एरर में आपके तीसरे ऑप्शन में आके आपके पास 4 एरर आ जाएंगे, और चौथे में आपके पास 5 एरर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके कलरफुल एरर हैं कुछ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके राइट साइड पे आपको दिखेंगे कुछ ब्लैक एंड वाइट, यानी कि अप एरर है आपका, ये आपकी बढ़ती हुई वैल्यू है, और जो आपका राइट की तरफ इशारा कर रहा है ये आपकी नॉर्मल यानी कि बिटवीन वैल्यू आपकी लाएगी आपकी। और जिस पर डाउन एरर की तरफ आपका इशारा कर रहा है वो है आपकी सबसे छोटी वैल्यू। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट को। तो फ्रेंड्स ये आपके एरर की शक्ल में, और ये आपके जो है सर्कल की शक्ल में, ये ट्राइंगल की शक्ल में, और ये इस तरह से आपको नज़र आने लगेंगे, और ये आपके साइन, और ये आपके इस तरह से क्रॉस, ये आपको नज़र आने लगेगा, यानी कि ये सर्कल के अंदर आएगा आपके, और ये विदाउट सर्कल सिर्फ आपको साइन और क्रॉस का आपको साइन नज़र आने लगेगा, और ये आपको फ्लैग नज़र आएगा इसके अंदर। मैं फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँगा, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो है आपकी वो रेड कलर में आएगी, और सिर्फ फ्लैग नज़र आएगा आपको। और येलो कलर में आपकी वैल्यू जो है दरमियान वाली वैल्यू, यानी कि बिटवीन वैल्यू कहलाएगी आपकी, 80 100 या 80 से ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि जो आपकी वैल्यू ज़्यादा है, जो बढ़ती हुई वैल्यू है आपकी, वो आपकी ग्रीन फ्लैग में आएंगी, ग्रीन कलर में आएंगी आपकी। और फ्रेंड्स वापस मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकॉन सेट्स को मैं दोबारा से देखूंगा इसके अंदर। और फ्रेंड्स ये आपके कुछ सेल्स इधर नज़र आने लेंगे। जैसे ये आपके 4 कॉलम है इसके अंदर, ये चारों के चारों फिल हैं, ये इसके अंदर से 3 फिल हैं और एक बिल्कुल खाली है, और इसके अंदर 2 खाली हैं और 2 फिल हैं, और इसके अंदर 3 फिल हैं, 3 बिल्कुल खाली हैं और 1 फिल है, और ये बाकी जो आपका सबसे लास्ट है ऑप्शन वो बिल्कुल खाली है आपके चारों। और ये आपको 4 सेल्स दिखाएंगे इसके अंदर, जो सबसे एक सेल है, यानी कि मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ अभी, जो इसके अंदर एक वाली वैल्यू है वो बिल्कुल खाली है, और जिसके अंदर 25 है या 25 से ज़्यादा वाली वैल्यू है, जैसे 10 है, ये इसके अंदर आपके 2 वैल्यू कहलाएंगी। और इसके बाद जैसे 65 है और 78 है 65 है, ये आपके 3 सेल आएंगे इसके अंदर, जैसे 100 है 98, यानी कि जो आपकी बढ़ती वैल्यू है 85, ये आपके बिल्कुल फिल कहलाएगा।
इसके अंदर भी आप मोर रूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट रूल टाइप। इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके आइकॉन की जो स्टाइल है ये भी आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर से। जैसे आपको कलरफुल एरर के अंदर चाहिए, आपको ब्लैक एंड व्हाइट एरर के अंदर चाहिए बिल्कुल ब्लैक कलर में, या फिर आपको फ्लैग की सूरत में चाहिए, या फिर आपको सर्कल की सूरत में चाहिए, या फिर आपके साइन या क्रॉस वो आपके सर्कल में आएंगे, और ये कुछ साइन और क्रॉस ये आपके वाजे नज़र आने लगेंगे आपको। और फ्रेंड्स, ये इसके अंदर आपको स्टार जो आपका अरेबिया से ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये आपको नज़र आएगा, यानी कि एक बिल्कुल फील है स्टार, ये बिल्कुल आपका येलो कलर कहलाएगा इसके अंदर। तीन स्टार इसके अंदर आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो आपके अंदर इस कलर में आएगी, और ये आधा स्टार फिल है येलो कलर से और आधा खाली है। और ये जो सबसे पहला जो आपका स्टार है ये बिल्कुल खाली है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आपके इस स्टार के अंदर आएगी। और फ्रेंड्स, ये आपके सर्कल आएंगे, और ये सेल, मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ इसके अंदर, और जो आपकी बढ़ती हुई वैल्यू है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसको, जो बढ़ती हुई वैल्यू आपकी कौन सी स्टार्ट होगी, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और 70 से ऊपर वाली वैल्यू, 70 या 70 से बढ़ती हुई वैल्यू, ये जो है आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएंगी। और 50 यानी कि 70 के बाद वाली वैल्यू, ये आपकी दरमियान वाली वैल्यू कहलाएंगी। और सबसे छोटी वैल्यू आपकी, ये मैं करता हूँ इसके अंदर, यानी कि 30 के बाद वाली वैल्यू आपकी इसके अंदर जैसे एक सेल में आने लगेगी, तो मैं करता हूँ इसको ओके। तो फ्रेंड्स, ये एक है, ये आपका एक सेल आएगा इसके अंदर, 11 ये आपका एक सेल आएगा, और जिसके अंदर आपके जैसे दो सेल हैं, जैसे कि 10 है, इसको मैं करता हूँ 20। तो 20 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट जो छोटी वैल्यू थी आपकी वो मैंने 30 सेलेक्ट करी थी, मैं इसके अंदर कर दूंगा 31। तो फ्रेंड्स, ये आपके 31 के बराबर में आपको जो सेल नज़र आएगा, ये इसके अंदर, इस ऑप्शन के अंदर चार सेल्स के अंदर आपके सिर्फ दो सेल फिल होंगे आपके। और जो आपको सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कहलाएगी जैसे 100, इसके अंदर आपके चारों ऑप्शंस के अंदर चारों सेल आपके फिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो सेल्स के ऑप्शन है आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आइकॉन सेट्स को, या आप फ्लैग की सूरत में भी ले सकते हैं, और ये इस सूरत में भी ले सकते हैं, आपके जैसे ब्लैक सर्कल आपका नज़र आने लगेगा इसके अंदर जो बिल्कुल फिल है वो आपकी बड़ी वैल्यू कहलाएगी, जो एक चौथा हिस्सा फिल है और एक हिस्सा इसका खाली है वो आपकी दरमियान वाली वैल्यू कहलाएगी, और सबसे छोटी वैल्यू आपकी यानी कि जो एक हिस्सा इसका खाली फुल है और बाकी तीन हिस्से इससे खाली है, ये आपकी दरमियान वाली वैल्यू कहलाएगी, यानी कि छोटी से बड़ी वैल्यू। और सबसे छोटी वैल्यू जो है आपकी जैसे एक है या 11 है या 10 है, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू कहलाएगी जो बिल्कुल खाली होगी इसके अंदर। इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आइकॉन सेट को। यह आपके ऊपर है कि आप स्टार की सूरत में लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सर्कल की सूरत में, या फिर इसके अंदर आपके चार कुछ कॉलम होते हैं, जैसे मैं इसको लेता हूँ अभी, ये चारों कॉलम आपके फिल हैं, ये आपकी बड़ी वैल्यू कहलाएगी। जैसे 85, 100 के अंदर आपके चारों कॉलम फिल हैं, 87 के अंदर आपके चारों कॉलम फिल हैं, 95 के अंदर आपके चारों कॉलम फिल हैं, लेकिन एक के अंदर आपको कोई कॉलम फिल नहीं है। 65 के अंदर तीन कॉलम है, 25 के अंदर एक कॉलम है, 85 के अंदर आपके चारों कॉलम है, 59, 57, 52, 58, 54, यानी कि इस तरह की वैल्यू के अंदर आपके सिर्फ दो कॉलम फिल होंगे और दो कॉलम आपके खाली होंगे। तो ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डेटा बार, कलर स्केल और आइकॉन सेट्स, इसको यूज़ करने का तरीका बताया है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो के हवाले से कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहे होंगे कि न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल, यानी कि पहला जो आपका ऑप्शन है वो है क्लियर रूल, न्यू रूल। तो इसके अंदर आप न्यू रूल जो ऐड कर सकते हैं, तो न्यू फॉर्मेटिंग रूल, सिलेक्ट अ न्यू टाइप, सिलेक्ट अ रूल टाइप,
इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, इसके अंदर से जो आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन, यानी कि फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट स्टाइल, यानी कि आपको दो कलर में सेल चाहिए या फिर तीन कलर में, ये आपके ऊपर है। आप इसके अंदर टू कलर स्केल, थ्री कलर स्केल, डेटा बार और आइकॉन सेट्स, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप थ्री कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहला कलर जो है आपका मिनिमम, दूसरा मिड पॉइंट और तीसरा मैक्सिमम, यानी कि पहला जो है मिनिमम आपकी लोएस्ट वैल्यू है, मिड पॉइंट आपका परसेंटाइल वैल्यू है यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये आपको कुछ कलर की सूरत में नज़र आने लगेंगे, जैसे हाई लोएस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू आपकी रेड कलर में, हाईएस्ट वैल्यू आपको ग्रीन कलर में, और दरमियान वाली वैल्यू आपको ऑरेंज, येलो और लाइट ग्रीन कलर में आपको नज़र आने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ये आपका न्यू रूल कहलाता है। और इसके बाद आपका क्लियर रूल, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल फ्रॉम एंट्री शीट, यानी कि अगर आपने इसके अंदर कोई रूल डाल दिए, अगर आपको आप चाह रहे हैं कि आपने गलती से इसके अंदर रूल डाल दिए, या फिर आपने जानबूझ के डाले हैं लेकिन आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप क्लियर रूल फ्रॉम एंट्री शीट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपके तमाम रूल्स इसके अंदर से गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन है मैनेज रूल, इसके अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर, तो आप इसके अंदर न्यू रूल अप्लाई कर सकते हैं, करंट सिलेक्शन, इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको इसी शीट के अंदर चाहिए, शीट टू के अंदर चाहिए, शीट फोर, या मैंने इसके अंदर जो शीट है इसके अंदर डाल के रखी है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, आपको जो रूल चाहिए वो किस वैल्यू के, किस शीट के अंदर चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर ये आपका लास्ट रूल है, आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मेट एस टेबल के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद आपको सेल्स स्टाइल के बारे में बताऊंगा, यानी कि ऐसे ऐसे करके आप तमाम एक्सेल को, आप पूरा एक्सेल सीख जाएंगे इसके अंदर। मिलते हैं नई वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।